सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स विद उर्मिला। आज मैं आप लोगों के साथ कोकोनट ऑयल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ मैंने एक ड्राई कोकोनट लिया है, जिसे इस तरह से पतले पतले टुकड़े में मैंने यहाँ काट लिया है। और अब इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करनी है पानी डालकर। यहाँ देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है हाफ ग्लास पानी डालकर। और अब इसे छन्नी या कपड़े से अच्छे से छान लूँगी, जिससे कोकोनट का क्रीम बाहर निकल जाए। कच्चे नारियल से भी ऑयल निकाल सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। कपड़े से, चम्मच से या हाथों से प्रेस करके अच्छे से क्रीम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने चार बार इसका ग्राइंड करके पानी निकाल लिया है। अब इसे धूप में सुखाकर ड्राई कोकोनट पाउडर बना देंगे। आप चाहें तो कोकोनट का छिलका छीलकर ग्राइंड कर सकते हैं, जिससे पाउडर वाइट बनेगा। इस पाउडर को मिठाई और ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। रात भर या 6 घंटे से फ्रिज में रख देंगे। देखिए ये रात भर मैंने इसे फ्रिज में रखा था, ये बहुत अच्छा जम चुका है। नीचे पानी और ऊपर क्रीम जम गया है। जैसे घी बनता है वैसा ही प्रोसेस से कोकोनट ऑयल भी बनता है। इस तरह से ऊपर से निकाल लेंगे और पानी फेंक देंगे। क्रीम को कोई भी बर्तन में पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखूंगी, लगातार चलाते रहनी है। 2 से 2.5 मिनट हो गया है, फ्लेम स्लो कर दूंगी और अब ऑयल छोड़ने लगा है। जब तक पूरा तरह से ऑयल निकल ना जाए तब तक चलाती रहूँगी। थोड़ा और पकाकर गैस बंद कर दूँगी। पूरे 5 मिनट लगे हैं ऑयल निकालने में, ऑयल पूरा निकल चुका है। अब इसे ठंडा होने पर कोई बर्तन में छन्नी से छान कर निकाल लेंगे। है ना बहुत ही इजी और परफेक्ट कोकोनट ऑयल निकालने का तरीका। देखिए कोकोनट ऑयल बनकर तैयार है, बिल्कुल प्योर। इसे आप खाना बनाने, फेस पर, बॉडी में, बालों में लगाने में यूज कर सकते हैं। अब आप भी इसे ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।